इसके अंदर 10 क्विंटल सरसों आ जाती है। अच्छा, तो 35 मन गेहूँ। 35 मन गेहूँ। सभी किसान साथियों को मेरी राम राम। किसान साथियों, अब के सीजन की अपनी पहली वीडियो है ये कंबाइन की, और ये पलकर कंपनी की है भैया, B525। और ये खड़ी सरसों की कटाई कर रही है, कटाई। और इसके ऊपर है ना भाई, जॉनडियर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वाली है ये। तो एक बार भाई इस सीजन की आपको अलग अलग मशीनें दिखाएंगे। और भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई अब की बार मैं काफ़ी मशीनों की वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, जो खड़ी को काट रही है, जो कढ़ाई कर रही है अलग अलग कंपनी की। और हम किसानों से भी बात करेंगे भाई साथ साथ में। ये देख सकते हो उधर अपने किसान भाई हैं, जो मतलब अपने खेत में सरसों कटाई कढ़ाई कंबाइन से काम करवा रहे हैं। तो इस मशीन के बारे में जो इसके ऑपरेटर हैं, इसके ओनर हैं मशीन के, उनसे भी बात करेंगे भाई। और इसकी सफाई कैसी है, कितने सालों से चला रहे हैं, मशीन कैसी रही इनके साथ में, क्या फीडबैक इन सभी का, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे। और अभी ये जैसे कि कटाई है ना, थोड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना लूँ भाई, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट होके वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहा हूँ, पता नहीं भाई मेरे को, लेकिन आपको पूरी अच्छी तरह से दिखाएंगे बताएंगे। और इस सीजन की पहली वीडियो हमें आपको पहले बता चुका भाई, और सभी वीडियो आपको रेगुलर और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाऊंगा भाई। और प्यार सपोर्ट दिखाते रहो भाई, ऑपरेटर से बात करेंगे। मशीन काफ़ी पुरानी लग रही है भाई मेरे को, तो आप देख सकते हो कितनी पुरानी मशीन है ये। और एक और मोड़ आएगा भाई इसका, एक फिर बच गया है। और क्या कुछ है इस मशीन के बारे में, जॉनडियर है भैया, V2 सीरीज का है, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है, तो आपको दिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे भाई। ये देख लो भाई, कौन सी मशीन कितने अच्छे से काम करती है, कौन सी मशीन कितने अच्छे से नहीं काम करती है, सारी जानकारी देंगे। आपने देख ली भाई, कुछ इस प्रकार से कटाई कर रही है, देख लो। और इधर से निकलने की कोशिश करें भाई, ये देखो जो पदाड़ी है वो पीछे ही आ जाती है, आप देख लो पूरे खेत में खाद भी लग जाता है भाई। तो एक बार ये वहां पे चलते हैं, किसान भाई से भी पता लगाएंगे। पूरी सरसों की कटाई कर दी है इन्होंने, आप देख सकते हो भाई। अब ये मुड़ के आएगी और फिर बातचीत करेंगे हम भाई। ये अपने किसान साथी हैं भाई, इनसे भी दो बातें करेंगे कि मशीन की जो काम करने की सफाई है वो कैसी है भाई। आपको दिखा दूं भाई थोड़ा अंदर से, ये देख लो। लो ये मशीन सरसों निकाल रही है भाई, देख लो आप। नमी है भाई सरसों में। अब की बार ये मशीन ऑपरेटर है भाई, मशीन के ओनर है, इनसे भी दो बातें करेंगे। मशीन चलू रहेगी। राम राम अंकल जी, राम राम। अपना नाम गाम पता बताओगा एक बार? ये बात है, बुझा मशीन का बारे में थोड़ी, यहाँ अपने जो करवाई है, कटवाई है सरसों अपनी। हाँ। अपना नाम के है? राजेश। गाँव? खेड़ा है। जिला? झज्जर। तो मतलब आपने कितने रुपए में करवाया ये काम, एक किले का कितने रुपए ले रहे हैं? कोई 1500 लिया, कोई 1600 लिया, कोई 1700 लिया, कोई 1700। मतलब 1500 और 1700 के आसपास रेट अब की बार है। तीन रेट। नमी है सरसों में का अपना, है ना? नमी है। और सफाई वफाई कैसी है? सफाई ठीक है, पर नमी तो हर साल आवे, कंबाइन तो सुखानी पड़ेगी तीन चार दिन सुखानी पड़ेगी। अच्छा। और कोई जैसे की आपने ये लगा की ज्यादा नुकसान हो? ना नुकसान मत, कंबाइन तो कम मानो हूँ, कई बाकी इसमें ज्यादा माने हैं। ज्यादा माने हैं सब वो, तो आप अपनी समझ हो, आप अपनी समझ है। हाँ सही बात है भाई। और तो 4-5 साल हो कंबाइन दे करो। अच्छा, 4-5 साल से कंबाइन से ही करवा रहे हो? हाँ। अच्छा। और वैसे मशीन ठीक ठाक चल रही है? हाँ, मशीन ठीक चल रही है। ठीक चले तो एक बार हम बात कर लेते हैं इनसे भी। तो सत श्री अकाल वीर जी। आप बताओगे कुछ? हम तो बस पंजाब से आने हैं सरसों कटना। तो आप बता दोगे कुछ, दो चार बातें? आप इधर आ जाओ, इधर से ना धूप आ रही है थोड़ी ही, इधर आ जाओ। तो जो भी अपने दर्शक आपने देख रहे हैं उनको अपना एक बार नाम पता एड्रेस बता दो आप। मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब है। पंजाब है। हाँ। तो आप हर साल आते हो? हर साल आते हैं। ये अपनी जो मशीन है ये कौन सी, बलकर की है? ये बलकार हार्वेस्ट मशीन है। मशीन है ये अपनी है? हाँ अपनी है। कितने सालों से कर रहे हो काम आप? आप 6 साल से काम कर रहे हैं? हम 6 साल से काम कर रहे हो। ये मशीन कौन सा मॉडल है?
ये 14 मॉडल मशीन है। 14 मॉडल है, 8 मॉडल जॉनडियर ऊपर ट्रैक्टर है। जॉनडियर कौन सा है ये? ये 5310 8 मॉडल है। 8 मॉडल है, 2008 मॉडल है भाई ये जॉनडियर 5310 है ये। तो आपने ये मशीन नई ली थी कि सेकंड हैंड ली? सेकंड हैंड ली थी। सेकंड हैंड ली थी। हाँ। तो आप 6 साल से इसी मशीन से काम कर रहे हैं? 6 साल इसी मशीन से काम। इसका जो जाल है, आप थोड़ा मशीन के पास आ जाओ, इसका ये जाल है ये कितने फीट का है? ये 14 फुट का है। 14 फुट का है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी जो जो स्टोर करने की क्षमता है, जो अनाज सरसों, हाँ, कितना क्विंटल मन आ जाता है इसके अंदर? इसके अंदर 10 क्विंटल सरसों आ जाती है। अच्छा। और 35 मन गेहूं। 35 मन गेहूं। हाँ। अच्छा, डीजल खर्चा वगैरह और मशीन में कोई नुकसान? नुकसान कोई नहीं, डीजल खर्चा वैसे इसका इस बार ज्यादा पड़ेगा, ली है ना सरसों। हाँ, सरसों में नमी है, नमी ज्यादा है, इस बार ज्यादा पड़ेगा ज्यादा। और कोई खर्चा मशीन बार बार नुकसान कर रही हो? नहीं, वो तो चलता रहता है। चलता रहता है। हाँ। ये तो नहीं है कि भाई ज्यादा नुकसान कर दिया और मशीन खड़ी रह गई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई मशीन की कोई खासियत है ट्रैक्टर है जैसे कि सही काम कर रहा है? सही काम करेगा, सही काम कर रहा है ट्रैक्टर के ऊपर। वैसे वैसे जैसे जैसे का जिगाड़ है वो उसको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। बड़ी मशीन वाला बड़ी बोलेगा, हम ये बोलेंगे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। सही। हाँ। बात है। आपने ये कितने रुपए में खरीदी थी? ये 10,10,000 का। मतलब 10 लाख में पूरी मशीन भी ट्रैक्टर भी सारा सेट आ जाता? सारा सेट 10 लाख रुपए में। हाँ। तो 6 साल से काम कर रहे हो? हाँ, तो इस मशीन से संतुष्ट हो? संतुष्ट है। हैप्पी हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कोई बात मशीन की, ट्रैक्टर कितना तेल ले लेता है? ये कम से कम 7-8 लीटर एक टैंकर का खाता है। एक किले का? किले का। हाँ, एक किले का 7-8 लीटर खा। हाँ, जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा। गेहूं में 5 खाता है। अपना ऑपरेटर कौन सा है इनमें से? ऑपरेटर अभी तीन ही ऑपरेटर ही। अच्छा, तीनों ही ऑपरेटर हो? हाँ। अच्छा अच्छा, दो गल इनसे कर ले? कर ले। अच्छा, एक बार माइक देना वीर जी, इधर लगा देता हूँ एक बार। सत श्री अकाल वीर जी। ओ चंगा। हाँ, बढ़िया, मजे में? पूरा मजे में। आप मशीन कितने सालों से चला रहे हो? 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गए। हाँ, हो गई। तो मशीन कैसी लगी आपको चलाने में? बढ़िया ही। और इस मशीन में कोई समस्या चलाने में? कोई समस्या नहीं है इसमें। अपनी है मशीन, मतलब अपना ही काम है ये? अपना ही काम है। हर साल इधर आते हो? हर साल इधर। अच्छा अच्छा। तो दो चार बातें तो इन्होंने बता ही दी है। आप जैसे कि चलाते हो, तो अब की बार जैसे कि नमी है सरसों में, चलाने में कोई ये नहीं है कि भाई मशीन में कोई नुकसान, चलाने में दिक्कत है? नहीं नहीं है कोई नहीं। आप हर साल इधर आते हो? हाँ, हर साल। और आपको 5-6 साल हो गए? हाँ, तो इधर का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया है इधर का माहौल। बढ़िया है? बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? अभी होगा 1.5 घंटा होगा। नहीं नहीं, जैसे कि अब की बार यहाँ पे आए हो हरियाणा में, 5-6 दिन हो गया। कितने दिन और रहोगे? अभी तो काम है, अभी तो काम शुरुआत ही हुई। गेहूं का भी करोगे? हाँ, गेहूं का भी करेंगे। गेहूं का भी करोगे? हाँ। तो भाई हम इसकी गेहूं के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो भाई बाकी ये मशीन है, आपको मैं दिखा दूं भाई, ये देख लो। 14 फीट का बताया था ना? हाँ, 14 फुट का ही। 14 फीट का इसका ये जाड़ है भाई। जाड़ बोल तो आप, कटर काटने वाला कुछ भी बोल लो यार, देख लो है। देख ही लगा, यहाँ पे चलने में ना बहुत समस्या होती है। और ये देखो भाई, 14 मॉडल मशीन है ये। ये देखो, खड़ी बोतल वो गड्डी पुरानी लग रही है, जैसे कि खस्ता हालत में दिखते हैं ना, जैसे कि रंग रुंग उड़ा हुआ। और ये 8 मॉडल है जॉनडियर। ये देखो भाई, ये मशीन है भाई इनकी। और भाई अपने हर साल इधर आते हैं भाई ये काम करने के वास्ते। ये देखो, और तो सब बढ़िया है जी। कहाँ पे ठहरे हुए हो? बहु ज्वेलरी। तो भाई कुछ इस प्रकार से मशीन चल रही थी, इन्होंने इनके बारे में बताया भी भाई।